2021 में मेरे जीएसपी 116 नंबर आए थे जो कि जनरल कटऑफ से 29 या 26 मार्क्स। इट इज वेरी एक्सेप्शनल मार्क्स ब्रो। आप प्रीलिम्स का स्कोर ही बता दो सबसे पहले 2021 प्रीलिम्स। देखिए जीएस में मैं तीनों बार क्लियर किया हूं 21 22 23 में। यस 21 में मेरे 116 नंबर थे। यस जनरल का कट ऑफ 88 था और मेरे 92 मार्क्स थे। ब्रो का 92 मार्क्स आए थे 2022 प्रीलिम्स में। सेटबैक्स गाइस, सेटबैक्स ये था भाई का इंटरव्यू देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद इनका नेम में लिस्ट में नाम नहीं था, मतलब कोई भी रैंक नहीं आता है इनको, तो एक काफी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है। रीसेंट कुछ प्लानिंग मेरा मिस्टेक था। 2023 प्रीलिम्स का स्कोर बताइए ब्रो। 2023 देखिए अभी तो स्कोर आया नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कोचिंग से मिला कुछ आंसर की से, तो मेरे 100 के आसपास बन रहा है, 100, 104, 103, तो मुझे लगता है कि इस बार की तो 100 के आसपास तो बहुत अच्छा है। तो ब्रो दिक्कत तो ये है कि 2023 प्रीलिम में 100 प्लस लाने का मतलब कि लेजेंड टाइप है गाइस, इस बार तो कट ऑफ 80 बता रहे हैं गाइस, तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी जनरल मेरा क्लियर हो। तो ब्रो यही है एस्पिरेंट्स और गाइस, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई की स्ट्रेटजी प्रीलिम्स स्ट्रेटजी पे पूरा भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि तीनों प्रीलिम्स ब्रो ने क्लियर किया हुआ है। ब्रो अब मुझे ये बता दीजिए कि जो आपने मल्टीपल सब्जेक्ट्स को प्रीलिम्स के लिए 90 डेज का आप स्ट्रेटजी जो बता रहे थे, उनका काफी रिच एक्सपीरियंसेस है यूपीएससी जर्नी को लेके, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का, तो इनका जो अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं, हम लोग काफ़ी कैजुअली डिस्कस करेंगे और ट्रूथ जो जो रियल ट्रूथ है, जो रॉ ट्रूथ है यूपीएससी का जो प्रिपरेशन को लेके, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन को लेके, वो अभी डिस्कस करते हैं संदेश ब्रो के साथ। हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट भी जो आईआईटी आईआईएम से पास आउट होकर आता है ब्रो, वो भी काफ़ी स्ट्रगल करते हुए देखा मैंने प्रीलिम्स के लिए। तो ब्रो प्रीलिम्स का आप जानती हो कितना अनसर्टेन लेवल का हो चुका है करंट सिनेरियो में, तो ये ब्रो मुझे ये बताइए कि जो प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी आपने, तो प्रीलिम्स शायद प्रीलिम्स 2021, प्रीलिम्स 2022 और 2023 तीनों साल का प्रीलिम्स ब्रो ने क्लियर किया हुआ है GS1 विद गुड मार्जिन से, तो ब्रो ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है एस्पिरेंट्स कम्युनिटी के लिए कि आपने जो प्रीलिम्स का तैयारी किया था ना ब्रो, तो आपका स्ट्रेटजी कैसा रहा था, मतलब पहले हम डिस्कस कर लेंगे GS1 का सर, जनरल स्टडीज 1 का प्रीलिम्स का। अभी 2-3 साल में स्पेशली 22-23 अगर 2 साल के हम देखें तो बहुत ही बड़ा चेंज लाया है यूपीएससी। अच्छा पैटर्न क्वेश्चन पूछने के तरीके बदले हैं, सब्जेक्ट का कंपोजिशन बदल गया है, कुछ सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए जो पहले कम इंपॉर्टेंट थे, तो ये सब चेंजेस आए हैं जिससे प्रीलिम्स थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। जीएसपी और सीसेट का तो कहना ही नहीं है, सीसेट भी डिफिकल्ट हो गया, दोनों पेपर डिफिकल्ट हुए हैं। अगर हम जीएस की बात करते हैं पहले, तो उसमें ऐसा देखा गया पिछले 2-3 साल में कि ज्योग्राफी से जिससे पहले कम क्वेश्चन आते थे, 8-10 या 7 क्वेश्चन आते थे 2020 तक, ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ा है। 21-22-23 का जब आप पेपर को देखेंगे तो ज्योग्राफी का वेटेज लगातार बढ़ा, और 2023 में 20 क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से सिंगल हैंडेडली 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए थे, इतने क्वेश्चन पढ़े नहीं है। 2020 तक का पेपर देखें तो 7-8 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी उसके बाद लगातार ज्योग्राफी को यूपीएससी ने ज्यादा महत्व दिया और अभी 20 क्वेश्चन आए थे। तो ब्रो आपने तो ये ट्रेंड जो है मेंटेन रहेगा अभी 2-4 साल। अच्छा अच्छा आपको ऐसा लग रहा है? हां लग रहा है और रहेगा। तो अच्छा। मुझे जो नए एस्पिरेंट है उनको पहला बात तो यही है कि आप ज्योग्राफी को अच्छे करें, प्रीलिम्स 20 क्वेश्चन बहुत, 20% क्वेश्चन जो आ रहे हैं ज्योग्राफी से इसको आप स्ट्रांग करें, साथ ही ज्योग्राफी के साथ एनवायरमेंट जो है, एनवायरमेंट से क्वेश्चन आते रहे, पहले भी अभी भी आ रहे हैं, 13-14 क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं, तो ज्योग्राफी एनवायरमेंट रिलेटेड माने जाते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, आप ज्योग्राफी जानते हैं तो कुछ एनवायरमेंट भी बना सकते हैं। तो ये दो जो सब्जेक्ट है 33-34 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो ये सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 1/3 प्रीलिम्स इसी साल, 1/3 प्रीलिम्स। और ज्योग्राफी में आप जैसे वर्ल्ड मैप हो गया, वर्ल्ड मैप से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडिया का मैप हो गया, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम रिवर्स हो गए, और फिर इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी के नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्लाइमेटोलॉजी और फिर क्लाइमेट चेंज इस सबसे रिलेटेड जो है, कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है, कॉप हो रहा है, उस सब की चीज़ों का करंट से रिलेटेड ये सब चीज़ें आपको जानना होगा। तो ये सब आप अगर पढ़ेंगे साथ में आप कुछ टेस्ट लगा सकते हैं, तो कुल मिलाकर जो फील और एनवायरमेंट से जो सेक्शन है इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, पहला चीज जो आपको करना होगा। प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 प्रायोरिटी लिस्ट प्रीलिम्स के लिए एस्पिरेंट्स 2 सब्जेक्ट्स को मतलब कंबाइन है एनवायरमेंट और ज्योग्राफी करके, नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा एस्पिरेंट्स गाइस, ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो सेकंड नंबर पे कौन सा सब्जेक्ट? दूसरा देखिए ज्योग्राफी एनवायरमेंट को, इसके अलावा हिस्ट्री, आज भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आने कम हो गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है, आपको पढ़ना पड़ेगा, 13-14 क्वेश्चन आ रहे हैं तो पढ़ना पड़ेगा, उसी तरह पॉलिटी से भी सेम 13-14 क्वेश्चन आज भी आ रहे हैं, तो वो है थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया यूपीएससी ने, अब लक्ष्मीकांत भी कई कई क्वेश्चन से नहीं बन पा रहे हैं, यही तो दिक्कत है हमारे पास अभी, उसका जो कहा था कि लक्ष्मीकांत का ऑप्शन क्या है उसके, तो अभी अल्टरनेटिव है नहीं हमारे पास,
अभी इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि आप लक्ष्मीकांत को अच्छे से कवर करते हैं। अच्छा, तो आप 10 क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं आज भी। अच्छा, डिफिकल्ट होने के बाद भी 9-10 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। कुछ आपको स्मार्ट गेस भी करना होगा, लेकिन 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और यह है कि अगर उसी तरह इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स से 14-15 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप कोई भी जो आपका कोचिंग मटेरियल है, बहुत सारे बच्चे कोचिंग लेते हैं, तो एक तो आपका क्लास नोट्स हो गया, उसको आप फॉलो करें। इसके अलावा बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, इसको समरी जो निकालते हैं कोचिंग। अच्छा, पूरा बजट पर नहीं होते हैं, इकोनॉमिक सर्वे और बजट का समरी जो कोचिंग वाले निकालते हैं, विजन निकालता है, सारे अलग अधिकतर कोचिंग वाले, उसको आप समरी को दो बार पढ़ के जाए कम से कम। ये आपके सोर्सेज हो सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, कुछ करंट मंथली मैगजीन से देख सकते हैं। तो ऐसे आप करेंगे, साथ ही ये सब हो गया सब्जेक्ट का, कि ये 4-5 सब्जेक्ट पर आपके कमांड अगर अच्छे हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है प्रीलिम्स जीएस के लिए, कि सोर्सेज जो है आपके लिमिटेड होना चाहिए, लिमिटेड सोर्सेज से काम चला, सिलेक्टिव होना चाहिए सोर्सेज। ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग का मटेरियल आपने लाया, कोई क्लास नोट्स आप रिवाइज कर रहे हैं, हिस्ट्री को आप 3 कोचिंग का मटेरियल पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी को आप 2 कोचिंग का पढ़ रहे हैं, उतना टाइम होता नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपके लिए मैक्सिमम आप 4-5 महीने दे सकते हैं, जनवरी से मई तक आप दे सकते हैं, 5 महीने दे सकते हैं। और इस 5 महीने में आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम आप 2-3 बार रिवाइज करके जाएं, एटलीस्ट 2 बार एडजस्टेड रिवीजन करके जाएं, और तीसरा भी एक जल्दी 20-25 दिन में रिवीजन होना चाहिए जो मई में। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो 2 महीने में आपको पूरा सिलेबस को एक बार रिवाइज करना है। तो हमारे सोर्सेज लिमिटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सोर्स, लिमिटेड और साथ में क्वालिटी होना चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि ये जो सोर्स मैंने सिलेक्ट किया है क्वालिटी 100% सही है, वर्क करेगा, 100% वर्क करेगा। उससे क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं डिसाइड, तो जो भी आपके सोर्स है, आप प्रीवियस का क्वेश्चन उठाइए, 23 उठाइए, 22 का क्वेश्चन उठाइए, और आप देखिए कि उससे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, करंट के छोड़ दीजिए, बेसिक क्वेश्चन तो बनने चाहिए। अच्छा, बेसिक क्वेश्चन आपके 21-22-23 में उस सोर्स से बन रहे हैं, तो इस बार भी आएंगे। लक्ष्मीकांत से पहले भी बनता था, आज ही बनता है, 24 में ही बनेगा। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये वो जरूर हो सकता है कि पहले 14 बनता था, 10 बन रहा है। बट ब्रो, लोग जस्ट फियर हो जा रहा है ना ब्रो, कि फियरफुल हो रहा है कि लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो लोग सोर्सेस मल्टीप्लाई कर जा रहे हैं, मतलब कोई डीडी वास पढ़ना शुरू कर दे रहा है, तो कोई और सोर्सेज पढ़ रहा है पॉलिटी के लिए। तो देखिए, सोर्सेज मैं बोला कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, लक्ष्मीकांत के अलावा डीडी वास की ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जैसे लक्ष्मीकांत बुक है वो भी बहुत मोटा बुक, इवन कि उसमें पूरा नहीं पढ़ना है। मेरा लिमिटेड कहने का मतलब है कि लक्ष्मीकांत जो बुक है उसमें पूरा नहीं पढ़ना है, आप उसका 50% भी अगर आपके पास थोड़ा सा PBIQ का नॉलेज है, 50% चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ते हैं तो आप अच्छा कर लेंगे, आप 9-10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अच्छा, अगर थोड़ा सा प्रिसाइज मैं बोलूँ तो पंचायती राज से पहले का जो चैप्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आप छोड़ भी देंगे तो शायद आपको वहाँ से एक भी क्वेश्चन आया नहीं है प्रीलिम्स में। सिलेक्टिवली पढ़ना है, पढ़ना है उस चीज को टारगेट करना है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सिर्फ उसका पता करने का जरिया सिर्फ एक ही है गाइस, PYQ देखना है। PYQ से देख के एनालिसिस कीजिए। अब एक पार्लियामेंट उसमें चैप्टर है, उससे हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ें। तो ऐसे आप सोर्सेज, इसी तरह स्पेक्ट्रम जो है, सारे बच्चे पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम, मॉडल इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम 1000 पेज का कर दिया है, कोई जरूरत नहीं 1000 पेज पढ़ने का, वो तो मार्केटिंग है, वो लोग करेंगे, हर साल जोड़ते जाते हैं, जैसे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 400 पेज भी पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम का, 400-410 पेज ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। अच्छा, एग्जाम्स के लिए उतना पेज अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं 400 पेज, तो आप जो भी 4-5 क्वेश्चन मॉडल हिस्ट्री से बनने वाले हैं उस बुक से वो सारे बन जाएंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, पिछले 3 साल से मैं 400 पेज ही पढ़ता हूँ, और जो भी बनने वाला क्वेश्चन है वो सारे बन जाते हैं। और इकोनॉमी के लिए कौन सा सोर्स यूज करते हैं? देखिए, इकोनॉमिक्स के लिए तो कुछ तो मेरा अपना नोट्स है। अच्छा, जो मैंने कुछ ऑनलाइन इकट्ठा किए हैं, वो मेरा स्टैटिक का नोट्स हो गया कुछ, और इसके अलावा जो मैंने बताया बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, उसको आप 2 बार पढ़ के जाएं। बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं, जो करंट ट्रेंड चल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ, फिस्कल डेफिसिट है, या फिर सरकार कौन सी नई स्कीम लेके आई बजट में, पिछले स्कीम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का बजट इकोनॉमिक सर्वे से एटलीस्ट 2 बार आप रिवाइज करके जा सकते हैं। तो संदेश ब्रो, आप ये जो बता रहे हो कि जैसे अभी हम लोग का प्रीलिम्स है 2024 का 26 मई को है, और आज है 7 फेब, अब फेबरी चल रहा है, तो ये फेबरी चल रहा है, तो ब्रो मतलब कैसे आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड करते हैं कि मुझे इतना टाइम देना है इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, डेली रूटीन में आप कैसे मतलब आप डिवाइड करते हैं, थोड़ा अपना आप जो अप्लाई करते हो वो बता दीजिए। देखिए, सबका अपना अपना कुछ स्ट्रेटजी अपना होता है। अच्छा, लेकिन अगर आप मेरी बात करेंगे तो
मेरा एक 90 डेज का प्लान होता है प्रीलिम्स का भी ये पढ़ना है। अच्छा, जैसे पहला दो बार मैंने किया है, पहला अटेम्प्ट में हम थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं, 4 महीने दे सकते हैं, लेकिन एक बार आप क्लियर जब लगातार कर रहे हैं जीएस, पहली बार मैंने जीएस दिया था 2021 में, तो जनरल का कट ऑफ 87 था और मेरे 116 नंबर आए थे। कितने? 116 नंबर, 116 मार्क्स आए थे ब्रो 2021 प्रीलिम्स में। 21 में मेरे जीएस में 116 नंबर आए थे, जो कि जनरल कट ऑफ से 29 या 26 मार्क्स। इट इज वेरी एक्सेप्शनल मार्क्स गाइस। तो गाइस अब ब्रो का स्ट्रेटजी को पे बिलीव कर सकते हो और एक काम करेगा, क्योंकि इनका स्कोर, ब्रो आप प्रीलिम्स का स्कोर ही बता दो सबसे पहले 2021 प्रीलिम्स। देखिए जीएस में मैं 3 बार क्लियर किया हूं, 21 22 23 में। यस, 21 में मेरे 116 नंबर थे। यस, उसमें मैंने 3-4 महीने मेहनत किया था, क्योंकि पहला अटेम्प्ट ऐसा कोई पड़ता है भाई। 21 का मैं जब इंटरव्यू चल रहा था, उसके बाद रिजल्ट आया 5 दिन प्रीलिम्स के 5 दिन पहले, और मेरा इंटरव्यू था प्रीलिम्स से 20-25 दिन पहले, तो मुझे पढ़ने का बिल्कुल मौका नहीं था प्रीलिम्स के लिए। 22 वाले में, 2022 प्रीलिम्स 22 वाले में मुझे पढ़ने का बहुत कम टाइम था, मात्र मैंने 15-20 दिन पढ़ाई किया था, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू था 2023 अप्रैल को था और प्रीलिम्स कब था 5 जून को। 5 जून को 35 दिन आपके पास है, इंटरव्यू के बाद मेडिकल भी होता है, 4-5 दिन उसमें भी लग जाते हैं, और थोड़ा थोड़े से लेते हैं इंटरव्यू के बाद, ऐसा नहीं आप रिजल्ट का वेट करते हैं, रिजल्ट का स्ट्रेस भी होता है, तो 35 दिन में 10-15 दिन ऐसे निकल गए। मैंने 20 दिन में पढ़ाई किया और रिजल्ट के बाद, और रिजल्ट मेरा नहीं हुआ, एक और डिप्रेसिंग। लो गाइस 2021 का रिजल्ट मेरा नहीं हुआ, तो थोड़ा सा और डिप्रेसिंग हो प्रीलिम्स के जस्ट 5 दिन पहले। उसके बावजूद भी मैंने जीएस का जो कट ऑफ था वो जनरल कैटेगरी में क्लियर किया। कितना मार्क्स? जनरल का कट ऑफ 88 था और मेरे 92 मार्क्स थे। प्रो का 92 मार्क्स आया था 2022 प्रीलिम्स में गाइस, और मैं मात्र 15-20 दिन पढ़ के गया था। तो मतलब इन्होंने वो भी कट ऑफ क्लियर किया था 2022 प्रीलिम्स का, और जीएस मेरा क्लियर था, उसका सीशन मेरा रुका। और सेटबैक्स गाइस, सेटबैक्स ये था भाई का, इंटरव्यू देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद इनका नेम में लिस्ट में नाम नहीं था, मतलब कोई भी रैंक नहीं आता है इनको, तो एक काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है। तो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होने के बाद भी भाई ने होप नहीं खोया और इन्होंने प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया और उस प्रीलिम्स को भी क्वालिफाई किया, मतलब GS1 में। तो 2023 प्रीलिम्स का स्कोर बताइए ब्रो। 2023 देखिए अभी तो स्कोर आया नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कोचिंग से मिला कुछ आंसर की से, हाँ। तो मेरे 100 के आसपास बन रहा है, 100, 104, 103, तो मुझे लगता है कि इस बार की तो 100 के आसपास तो बहुत अच्छा है। तो ब्रो दिक्कत तो ये है कि 2023 प्रीलिम्स में 100 प्लस लाने का मतलब कि लेजेंड टाइप है गाइस, इस बार तो कट ऑफ 80 बता रहे हैं गाइस, तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी जनरल मेरा क्लियर हो। तो ब्रो यही है एस्पिरेंट्स और गाइस, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई की स्ट्रेटजी, प्रीलिम्स स्ट्रेटजी पे पूरा भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि तीनों प्रीलिम्स ब्रो ने क्लियर किया हुआ है। तो ब्रो अब मुझे ये बता दीजिए कि जो आपने मल्टीपल सब्जेक्ट्स को प्रीलिम्स के लिए 90 डेज का आप स्ट्रेटजी जो बता रहे थे, वो कैसे, मतलब आप प्लानिंग होता है, जैसे मैं स्टार्ट किया है तो 90 या 100 डेज का जो मैं प्लानिंग 100 दिन का होता है। तो ब्रो जैसे आप नेक्स्ट प्लेन 24 का प्लेन्स भी मे बी योर राइटिंग, मान लीजिए तो रिजल्ट डिसाइड करेगा, मैंने इंटरव्यू दिया है और रिजल्ट 10-12-15 अप्रैल तक आएगा, उसके बाद रैंक जो आएगा उसके अनुसार मेरा, मान लीजिए अगर मुझे देना है तो एज्यूम कर लीजिए कि आप एज्यूम कर मुझे देना है तो 100 दिन चाहे जो भी जितने बार भी मेरा दिन है, सो अगर 100 दिन हम मान लें तो मेरा एक प्लान होता था कि 100 दिन है मुझे 2 बार रिवाइज करना है, 2 बार रिवाइज, मैं 2 बार रिवाइज करके जाता है क्योंकि मेरा थोड़ा ठीक है, मुझे ज़्यादा ये है जीएस मेरा सही है, तो मैं 2 बार, लेकिन जो लोग नए हैं थोड़ा 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, तो आप जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं, जो लोग नए पहली बार दे रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, आप जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो आप जनवरी फरवरी में पहला डिवीजन कर सकते हैं, जैन और फाइव मिलाकर फर्स्ट डिवीजन आप कर सकते हैं 2 महीने में, दूसरा डिवीजन आप मार्च और अप्रैल में कर सकते हैं, सेकंड डिवीजन, यस ये हो गया मार्च अप्रैल, अप्रैल तक आप दूसरा डिवीजन कर लिए, बाकी आपके पास 25 दिन बचा है। अच्छा, लास्ट मई का, उस 25 दिन में आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज को टारगेट कीजिए, तो उसमें आप जो आपको लग रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट है तो आना ही आना है, ऐसी चीज को टारगेट कीजिए 25 दिन में, और उसको एक बार और रिवाइज कीजिए अपना जो भी। अच्छा, तो आप लास्ट 25 डेज में स्टैटिक पोर्शन पे ज्यादा फोकस करते हो कि करंट अफेयर्स पे? देखिए इसमें आप कर सकते हैं कि आप लास्ट डेज का मैं कुछ बताऊंगा, अगर हाँ। एक तो है कि करंट पे आप फोकस कीजिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, क्योंकि करंट क्वेश्चन फ्लक्चुएट होते हैं। अच्छा, दो चीजें, कुछ बच्चे होते हैं जिनका बेसिक बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है तो आपको करंट के लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं, क्योंकि 80 के आसपास क्वेश्चन तो आएंगे ही बेसिक से, अगर आप बेसिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो, कई क्वेश्चन करंट के ऐसे भी होते हैं जो आप करंट नहीं भी पढ़ रहे हो, आपका बेसिक का नॉलेज अच्छा है तो बन जाएंगे, समझ रहे हैं, तो ये हो गया। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बेसिक कमजोर है तो करंट पर रिलाई करते हैं। अच्छा, तो ये अपने कंडीशन पर निर्भर करता है कि आप क्या, लेकिन फिर भी
बेसिक को छोड़ना नहीं, जैसे आपको और लास्ट में आप उस चीज को टारगेट करेंगे जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है और मैं इसको भूल सकता हूँ 20-25 दिन में, मैं नहीं रिवाइज करूंगा तो मैं भूल जाऊंगा, जैसे हिस्ट्री हो गया, अच्छा एंशियंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री बच्चे जल्दी भूल जाते हैं, तो लास्ट जो 5-7-10 दिन का टाइम है उसे मुझे हिस्ट्री पे देना चाहिए। वैसे ही आप कुछ और सब्जेक्ट है जिससे आपको प्रॉब्लम है तो आप दे सकते हैं। तो ब्रो मुझे लगता है कि लोग प्रीलिम्स जो फेल करता है ना एस्पिरेंट, वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस में आके जाता वो उसका रीजन होता है फेलियर का, प्रीलिम्स फेलियर का, क्योंकि ब्रो लास्ट 1 वीक का जो शेड्यूल होता है ना उसमें लोग काफी ज्यादा पढ़ने लगता है, स्ट्रेस आता है, नींद नहीं आती है एस्पिरेंट्स को, तो इससे क्या होता है कि लोग काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है लास्ट 1 वीक बिफोर प्रीलिम्स। तो ब्रो लास्ट 1 वीक आप कैसे हैंडल कर देंगे, मतलब कि कुछ ऐसा तो आप देखिए आपको जिस लास्ट 1 वीक या लास्ट 5-7-10 दिन आपको बहुत चिंता नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि मेरा पिछले बार भी नहीं हुआ था इस बार भी नहीं होगा तब क्या करेंगे, अगर मान लो फाइनली मैं सफल हो गया इसलिए भी अटेम्प्ट चला गया, इस सब बातों को सोचना नहीं है उस समय, ऐसे अच्छा बातें मन में आएंगी बट मेरे आपके कहने से आपके कहने से नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आपको रुकना है। मैंने क्या बताया पहले इंटरव्यू को, यानी जीटी आएगा लेकिन उसको कंट्रोल करना है, करना ही ऐसा नहीं पड़ता है कि ये सब नहीं आएगा, वो सबके मन में आता है, लेकिन अब उस समय आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरी मदर का तबीयत खराब है, घर पे ये दिक्कत है, अगर मैं ये भी फेल कर गया ऑलरेडी मेरा 3 अटेम्प्ट जा चुका है, वो टाइम सब सोचने का नहीं होता है। जैसे आप पिछले 70-80 दिन करते आए हैं है। अच्छा वही काम आपको 7 दिन करना है, करना है, वही 8-10 घंटे आपको पढ़ने हैं, ये सब आप अपने माइंड को बिजी रखना है। आप स्टडी को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, एक चीज पर 3-4 चीज पढ़ सकते हैं, अच्छे से हाँ कुछ हिस्ट्री पढ़ लिया, थोड़ा पॉलिटिक्स पढ़ लिया, करंट थोड़ा देख लिया, समझ रहे हैं, और टेस्ट लगा लिया एक दो, स्टडी को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, माइंड कोई लास्ट दिक्कत 1 वीक में मॉक टेस्ट आप हाँ देते थे मैनेजमेंट कर पाए अपने। मॉक टेस्ट का अगर मैं बात करूँ तो मॉक प्रीलिम्स का टेस्ट मॉक टेस्ट? प्रिलिम्स का मॉक टेस्ट, देखिए मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, जैसे आपने परमानेंट वाले सेक्शनल दे लीजिए, आप कोई सेक्शन पॉलिटी का रिविजन कीजिए, पॉलिटी का दे लीजिए, हिस्ट्री का, पहले आप ऐसे कर सकते हैं, एक बार लोग का पूरा रिविजन हो गया, अच्छा 2 महीने में एक बार आप पूरा रिवाइज कर लिया, उसके बाद आप फुल लेते स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा लेकिन लास्ट अगर 5-7-10 दिन की मैं बात करूँ तो उस मॉक टेस्ट से ज्यादा अच्छा है कि आप TYQ को देखिए, PYQ आप 23 का पेपर देखिए, 22 का पेपर देखिए, PYQ को देखने से क्या होगा कि एग्जामिनर का माइंड वो कैसे क्वेश्चन सेट करता है यूपीएससी, माइंडसेट उसको को, समझिए, कीवर्ड समझिए उसका, कि अच्छा कीवर्ड से कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, हालांकि एलिमिनेशन टेक्निक इस बार फेल हो चुका है लेकिन फिर भी कुछ चीजें आप समझ सकते हैं वहां, ऐसा नहीं है, जैसे इस बार ऐसा देखा गया एक पैटर्न मैंने नोट किया कि 42-43 जो ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें पेयर वाले क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि बताइए 1 पेयर सही है, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, उसमें 22 के आंसर ओनली 2 पेयर थे, 42 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन का हाँ सब आंसर ट्वेंटी ओनली टू टू पेयर। यानी 50% ऐसे क्वेश्चन थे जिनका आंसर ओनली 2 पेयर था, ओ माय और गॉड, उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि लॉजिक वैसे सही हो जाएंगे। है जो एस्पिरेंट्स जो ज्यादा लोग पेयर वाले क्वेश्चन को लेके स्ट्रगल किया हुआ है यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स में, तो उसी पे अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि 20 पेयर वाले क्वेश्चन को कैसे ब्रो ने हैंडल किया हुआ है, और देखते हैं ब्रो क्या बताते हैं पापा सर पे। तो संदेश ब्रो ये जो 2023 प्रीलिम्स में 42 क्वेश्चन पेयर वाले आए थे आप जानती हो, तो ब्रो उस पेयर वाले क्वेश्चन के पीछे लॉजिक्स क्या थे, और मतलब कि कैसे आपने हैंडल किया वो 2 आवर में, क्योंकि अचानक आया था वो, लोग इतना एक्सपेक्ट किया नहीं था कि इतने सारे क्वेश्चन ओनली पेयर वाले आ जाए। देखिए पेयर वाले जो इस बार अनएक्सपेक्टेड थे, इतने सारे क्वेश्चन मैं भी नहीं सोचा था, और कोई भी, लेकिन और एलिमिनेशन टेक्निक जो थे वो फेल हो गए थे सारे, एलिमिनेशन ट्रिक्स, 22 क्वेश्चन के आंसर ओनली 2 पेयर थे, ओनली 2 पेयर होने के पीछे भी कुछ लॉजिक है, अगर आप अच्छा एग्जामिनर के माइंड के सोचे, जैसे एग्जामिनर कैसे सोच रहा है, कैसे क्वेश्चन सेट कर रहा है, तो थोड़ा माइंडसेट, बहुत हम सोचे, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड के साथ कई बार खेलना होता है, अच्छा, हमेशा आप अपनी तरफ नहीं सोच सकते, प्रीलिम्स मतलब नॉट नॉलेज का गेम नहीं रह गया, थोड़ा बहुत नॉलेज जरूरी है लेकिन सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा, आपको प्रीलिम्स। थोड़ा बहुत अपना स्मार्ट माइंड जो है उसको यूज करना होगा, अच्छा थोड़ा प्लानिंग स्ट्रेटजी एट अ टाइम आपको इस्तेमाल करना होगा माइंड, जिस बार का प्रीलिम्स था एट अ टाइम बहुत सारे क्वेश्चन आए, वहां तो ये नहीं कर सकते क्यों पूछ लिया, ये हाँ तो बताया नहीं थे, एट ये तो अ है। टाइम आप कैसे तो डील ब्रो करेंगे, आपने 22 पेयर वाले जो पेयर वाले तो जो क्वेश्चन ट्वेंटी थे टू पेयर थे उसके माइंडसेट देखिए क्या था उसके पीछे? उसके लिए कुछ लॉजिक है, जैसे हम लोग तो 22 में दिए थे उसमें भी 6-7 क्वेश्चन ऐसे आए थे, यस थोड़ा आए बहुत थे, कहीं ना कहीं माइंड में था इसलिए, अच्छा लेकिन इस बार ज्यादा आया तो मैंने क्या किया, ओनली 2 पेयर जो मैंने बोला ओनली 2 पेयर बहुत सारे आंसर थे, उसके पीछे क्या लॉजिक, तो देखिए मान लीजिए मैंने 4 पेयर आपको दे दिया गया है और पूछा गया कि कितने पेयर सही है इसमें से, एक पेयर यस सही है, दो, तीन या यस चारों सही है, यस अब देखिए आप सोचिए एग्जाम्पल के माइंड से हम सोच रहे हैं, स्टूडेंट कुछ तरह आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति कोई भी जो क्वेश्चन सेटर है क्या वो चारों सही मिलान पर आपसे पूछ सकता है कि कितने पेयर सही है, नहीं, चार जब क्यों चार पूछेगा, वो चारों सही मिला देगा
मतलब बहुत चांसेस कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्या है, बहुत कम, एटलीस्ट एक तो गलत कर ही देगा, क्या विचारों की सही मिला है तो आपका ये एक तो गलत कर ही देगा, मतलब फोर्थ हाफ, तो ओनली फोर, ऑल फोर ऑप्शन तो खत्म हो गए, चारों सही नहीं है, इतना तो कंफर्म है, ठीक है, ये एक तो ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज, कोई भी क्वेश्चन सेटअप होता है, जनरल माइंडसेट है, तो आप जो भी गलत स्टेटमेंट लाने में या कोई गलत पेयर को मिलान करने में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। अच्छा, गलत पेयर को मिलान करने, गलत पेयर जैसे किसी कैपिटल स्टेट है उसका कैपिटल, गलत कैपिटल खोजने में आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। हाँ कि मतलब सही कैपिटल तो आपके पास गूगल सर्च कीजिए आ जाएगा तुरंत, तुरंत आ जाएगा, मतलब लोग के माइंड के साथ भी तो खेलना पड़ता है ना। आपको कहा जाए गलत मिलान कीजिए, केवल गलत गलत क्वेश्चन सेट कीजिए, उसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। अच्छा, तो आप इतना ये भी सोच सकते हैं कि ज्यादा जो होंगे वो गलत नहीं होंगे, ज्यादा पेयर सही होगा, चारों सही नहीं होगा लेकिन ज्यादा सही होगा, यानी अधिकतर की मात्रा सही की होगी, ऐसा नहीं है कि तीन गलत है, ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हैं। तीसरी बात, अब मान लीजिए ये हो गया, एक तो आपने चार हटा दिया, दूसरा आपके जिम कर रहे हैं कि अधिकतर जो होंगे सही होंगे। अब देखिए आपने पढ़ाई किया, ऐसा तो है नहीं कि आप उठ के चले गए, पढ़ाई तो आपने कुछ किया है। मेरे साथ ऐसा कंडीशन, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, अधिकतर बच्चों के साथ ऐसा होगा, ऐसे कंडीशन बन रहे थे कि एटलीस्ट चार में से दो मुझे कंफर्म थे, एक गलत, ये तो गलत है, हमने भी तो पढ़ा है, तो ऐसा तो एक मुझे कुछ नहीं आ रहा, मुझे चार क्वेश्चन, चार ऑप्शन मेरे सामने है, चार पेयर, एक मुझे कंफर्म है कि ये तो गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक तो बिल्कुल 100% गलत है, ठीक है, और इतना पता था कि एक सही है, एक कंडीशन है, जिम करते हैं, अच्छा। ऐसा अधिकतर होता है, ओके। एक सही है, दो आप कंफर्म है, एक गलत हो गया, एक सही हो गया, समझ गए, ये सब इंजम्पशन है, आपको जिम करना है, करना पड़ेगा, आप माइंड ये सब सोच के जाएंगे तो वहां आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, थोड़ा पहले वहां भी सोच सकते हैं, एक सही है एक गलत है, समझ गए, दो आपको बिल्कुल पता नहीं है कि क्या है, गलत है कि सही, आप पूरा ब्लैंक हो गए, लेकिन आप मानिए अगर उस दो पेयर में से आपको नहीं पता है तो क्या आप दोनों को गलत मान सकते हैं? नहीं पता है तो कुछ सही मानोगे, सही मानोगे, कैसे मानते, नहीं पता है तो कैसे, आप दोनों गलत भी नहीं मान सकते, और दोनों को सही मानने में भी थोड़ा डाउट है कि दोनों को सही कैसे मान लें, तो एक को सही मान लो एक को गलत, हम मान लेते हैं कि ये भी ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि चलो दो मुझे नहीं पता है, मानते हैं दो में से एक तो सही होना चाहिए, दो में से एक सही मानते हैं, टिप्पणी पर जाते हैं कि एटलीस्ट दो में से एक भी सही हुआ तो मेरा आंसर क्या होगा, ओनली टू पेयर, एटलीस्ट दोनों में से एक भी गलत होगा तो भी मेरा आंसर क्या होगा, ओनली टू पेयर, तो आप तो ओनली टू पेयर जो है सबसे सेफ आंसर है इस कंडीशन में, जो आप एक जानते हैं कि ये गलत है और एक जानते हैं ये सही है, वाओ मैन, मतलब इतना सोचने के बाद आप आंसर, एक बार आपने सोच लिया तो एक ही जगह अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा मैंने सोचा एक टाइम, मतलब उस टाइम तो मुझे आ रहा है कि तो गलत है, मतलब आपका ये काम कर रहा है, मेरा माइंड आपको माइंड ब्लॉक नहीं हुआ उस टाइम, आप जैसे आप बता रहे हो कि ऐसे मैं सोच पा रहा था कि मैं एक, नहीं मैं देखा बहुत सारे क्वेश्चन है तो मैं सोचा कि मैं चार है, और ऐसा तो नहीं है कि 40 क्वेश्चन है तो ऐसे छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, वहां तो आपको अटेम्प्ट करना ही है, अच्छा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, आप छोड़ सकते, छोड़ने का ऑप्शन नहीं है वहां पे, अच्छा अच्छा मैं सोचा कि देखो एक मुझे आ रहा है कि ये तो सही है, ये कह रहा है कि ये तो गलत है, अब दो जो है वो मुझे पता नहीं है तो मैं क्यों दोनों को गलत मान जैसे ही आप दो सही हो गए, दो कंफर्म हुआ कि अरे मेरा दो सही है, अब दो में मुझे नहीं पता है तो आप थ्री पेयर के साथ जा सकते हैं, विथआउट की चारों सही नहीं हो सकते, लेकिन दो आपको पता नहीं तो एक आप सही रिज्यूम कर सकते हैं तो थ्री पेयर के साथ जा सकते हैं, अब मस्ट आंसर जो थे आया था टू पेयर नहीं तो थ्री पेयर थे, कंफ्यूज हो गया हो कि कौन सा पेयर लगाना है कौन सा नहीं लगाना है, बट उस टाइम जो दिमाग को स्कूल रखना है, काम रखना है और विथ लॉजिक सोचोगे ना गाइस तो आंसर आ जाएंगे, प्रीलिम्स उतना हार्ड एग्जाम नहीं है गाइस, जिस हिसाब से मैं नहीं आपको वो रणनीति है जो है ये ऐसे आपको सोचने पड़ेंगे एग्जाम में, एग्जाम भी डिफिकल्ट पड़ा है तो आपका माइंड उस तरह से सोचना होना चाहिए, अच्छा। और ऐसा एक और बात है कि तो रहा पेयर की, या तो टू पेयर थी तो थ्री पेयर आप जा सकते हैं जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इसके अलावा आप 40-42 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसा नहीं सारा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कुछ क्वेश्चन तो ईजी, अपने आपने इतना मेहनत किया है तो मान लीजिए उस पेयर वाले में भी 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो ईजी थे जो बना सकते हैं, कुछ का आंसर नॉन भी था इसमें से कोई नहीं, तो आपने पढ़ाया तो कुछ तो आप डायरेक्ट भी आंसर फाइंड कर सकते हैं, सब में साथ जल लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन अधिकतर में लगाने पड़ेंगे, तो आप नहीं कर सकते ओनली टू ओनली थ्री पेयर के साथ, जो आपको दो मैंने बताया कि एक सही है, एक कन्फर्म है कि एक सही हो गए, एक कन्फर्म है कि एक गलत हो गए, दो आपके पता नहीं है
तो ऐसी स्थिति में आप टू करना चाह सकते हैं। जब आप दो कन्फर्म हो गए कि दो तो सही है और दो के बारे में ब्लैंक है, ऐसी स्थिति में आप थ्री पेयर के साथ जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, लॉजिक ये है कि दो के बारे में मुझे पता नहीं है तो एक हम सही मान सकते हैं। और दूसरा तरफ से ये भी है कि चारों सही हो सकते हैं। मुझे तो अब प्रीलिम्स पेपर इजी लगने लग गया भाई ना जिस लॉजिक से बताया। तो इससे आपको मैं इतना कह सकता हूँ, देखिए 100% मैं नहीं कह सकता, एक बार अपना अपनी थी हो सकता है आप सही से अप्लाई नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, प्रोबेबिलिटी का गेम है। लेकिन ऐसे आप करेंगे तो आपको नुकसान तो नहीं होगा, इतना मैं कह सकता हूँ, हमेशा आप फायदे में रहेंगे। अच्छा, पॉजिटिव मार्किंग हुआ हमेशा आप प्लस में रहेंगे। अच्छा, अब इसको कितना अच्छे से आप अप्लाई करते हैं इसमें नॉलेज का भी कंट्रीब्यूशन है, आप गलत आंसर को सही एज्यूम करेंगे तो आपका गलती है। तो गलती तो आपका ही होगा गाइस। लेकिन ऐसे आप करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे और आप हमेशा पॉजिटिव मार्किंग हुआ इसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी होगी आपकी। इसीलिए मैं बोला लास्ट 10-15 दिन का जो टाइम है आप टी वाई की देखें, 23 के ऊपर देखें, 22 में भी 7-8 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, उस क्वेश्चन को आप देखें, ऐसे सोचना आप शुरू करें, जनरल के माइंड के ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे आंसर भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। संदेश गुरु आप मुझे ये बताइए कि जो प्रीलिम्स का पेपर 2 घंटे का होता है, ठीक है, जीएस तो वो 2 घंटे में जो आदमी आप कितने राउंड में पेपर को अटेंड करते थे, टाइम मैनेजमेंट मतलब प्रीलिम्स का पेपर में जीएस वन में कैसे, मतलब कि जैसे आपने मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते थे कि पेपर के बीच से स्टार्ट करते थे कि लास्ट पेपर से, क्या स्ट्रेटजी रहा? मेरा अपना जो मेरा तरीका है, सभी लोग अलग अलग होता है। हाँ, अपना अपना मैं एक राउंड में बनाता हूँ पूरे पेपर, 100 क्वेश्चन एक राउंड में बनाता हूँ। लेकिन मेरा तरीका दूसरा, मैं टाइम पर ध्यान रखता हूँ कि हर आधे घंटे में मुझे 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, समझिए। सो टारगेट आप आपके पास 2 घंटे हैं, अच्छा 100 क्वेश्चन, 1 घंटे 50 बनना चाहिए, क्योंकि थोड़ा टाइम को अपने बस में रखने के लिए हम 1 घंटे 50 में 54-55 सॉल्व कर रहे हैं। टाइम पर हम वहाँ टाइम का कोई इशू हावी ना पड़े, हावी में हो, हम हमको लगा कि मेरे पास टाइम थोड़ा ज्यादा है, तो 1 घंटे मेरा टारगेट है कि 50 से थोड़ा ऊपर जाना है, 53-54 क्वेश्चन। जो आप पूरा टाइम लेकर क्वेश्चन, कई बार कुछ वक्त लोग मुझे ऐसे ही मिले मेरे दोस्त जो वो थे रीजनल रिसर्शन वाले क्वेश्चन, उसमें गलत कर लिए स्टेटमेंट पढ़ने में, टैफिलिटिक मार्क करने में, तो घबराहट वो भी सिली मिस्टेक्स हो गए, सिली मिस्टेक घबराहट चलते हैं। सिली मिस्टेक कब होते हैं? जब घबरा गए, आप नर्वस हो रहे हैं, आप क्वेश्चन देख के घबरा रहे हैं, तुम जा ही नहीं रहे। अरे तो आपने सही से मेहनत किया है तो शुरुआत ही 2-3 क्वेश्चन हो सकता है नहीं है, साइंस चेक क्वेश्चन आप नहीं आ रहा, हो सकता है लास्ट में पोल्टी है वो तो आएगा। तो ब्रो मुझे बताओ कि प्रीलिम्स के पेपर में आप कैटेगराइज करते थे क्या सब्जेक्ट्स को, कि मैं जैसे आप तो फर्स्ट एक ही राउंड में पेपर किए थे, एक बात आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर शुरुआती क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट है तो लास्ट में इजी होंगे। अच्छा, ऑब्वियस ही बात है, घबराना क्यों है? लास्ट अगर आपका पेपर साइंस टेक से स्टार्ट होता है तो ऑब्वियस है डिफिकल्ट होगा, एनवायरमेंट से स्टार्ट होता है डिफिकल्ट होगा, पॉलिटी लास्ट में है इजी होगा, हिस्ट्री आप करेंगे ज्योग्राफी आप कर सकते हैं, मतलब बीच से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप कहीं से नहीं, मतलब एक आप तो या तो है कि आप शुरू से स्टार्ट करो, लेकिन इसका मतलब कि आप शुरुआती क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर डिफिकल्ट है तो कहीं इजी क्वेश्चन जरूर होंगे, समझ रहे हैं ना मेरी बात? समझ गया ब्रो, आपको घबराना नहीं है। अच्छा अच्छा, आपको सी और डी सेट मिलता है, मुझे तो अपने यहाँ तक पता है, जब भी आपको सी और डी सेट मिलेगा सबको पता है, तो साइंस टेक एनवायरमेंट से शुरू होगा तो डिफिकल्ट होंगे, उसमें क्या घबराने की बात है? अच्छा, मुझे दो बार ग्रीटिंग सेट मिला है, मुझे शुरुआती 3 क्वेश्चन नहीं आता, क्या हो गया? मुझे पता है कि लास्ट में इजी क्वेश्चन होगा, तो आप लास्ट में शिफ्ट हो गए थे स्टैंडिंग में, शुरू से बना रहे थे। हां, मुझे पता है कि 90 मुझे 90-88 क्वेश्चन करना है, और मुझे पता है कहां-कहां रिस्क लेना है, वो सब मेरे माइंड में है, मुझे कितना रिस्क लेना है। अच्छा अच्छा, पूरा पेपर में जब आपको 10 ही क्वेश्चन छोड़ने हैं तो मैं शुरू से बनाऊंगा, लास्ट से बनाऊंगा, बीच से बनाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा अच्छा, आपका टारगेट ये रहता था कि पूरा पेपर में आपको मात्र 10 ही क्वेश्चन छोड़ने हैं, 90 क्वेश्चन आप शुरू से बनाएं या लास्ट से बनाएं, तो मतलब माइंड सेट करके 90 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, 88 अटेम्प्ट करने हैं या 98 अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा अच्छा, ये माइंड सेट लेके चल, तो भी ऐसा सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन 10-12 हम वो छोड़ सकते हैं, हमें कहीं भी छोड़ सकते हैं, शुरू में लास्ट में बीच में, तो लेकिन आपका अपना रणनीति है, मेरा था शुरू से मैं बनाता था, मैं दूसरे राउंड का वेट नहीं करता, मैं शुरू से बनाऊंगा, टाइम पे मुझे लगता है कि पहले 1 घंटे में मुझे 52-53 क्वेश्चन कर लेने हैं, बाकी और 5 मिनट पहले मुझे 100 तक कर लेना है, लास्ट 5 मिनट में अगर मुझे 2-3 क्वेश्चन पे कहीं रिस्क लेना है, अगर मैं 85 के आसपास बना लिया, वो लगता है कि 2-3 और बनाना चाहिए, तो 5 मिनट में 2-3 और मार्क्स निकल जाऊंगा। तो ब्रो मुझे ये बताओ कि ओवर मार्किंग जो है प्रीलिम्स में आप क्या मतलब साथ-साथ में करता हूं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए एकदम देर देर ओवर मार्क एक-एक करके ऑन स्पॉट एक-एक करके मैं करता हूं, एक-एक करके। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो पूरे आ जाते हैं बाद में, वो अपना तरीका है, आप जैसे कंफर्टेबल हो, मुझे लगता है कि मैं एक-एक में ज्यादा कंफर्टेबल हूं, गलती होने के चांसेस कम है। अच्छा अच्छा, जब ये पेन से करते हो पेन से डायरेक्टली पेंस ही कर देते हैं।
गलती होगा थोड़ा फियरलेस होना चाहिए। रोहित शर्मा बोली नहीं डरना है कि आप जब जुड़ेंगे क्या रहे मेरा तो ही मशीन गलत हो जाएगा, अरे मेरा ये गलत हो जाएगा वो गलत, तो गलत होगा। तो संदेश ब्रो लोग बोल रहे हैं कि जो इस वर्ल्ड कप था 2023 में फाइनल मैच जो आपने देखा होगा क्रिकेट का, अगर आप देखते होंगे तो उसमें लोग बोल रहे हैं कि एटीट्यूड का प्रॉब्लम था फाइनल, मतलब 10 मैच लगातार जीतने के बाद फाइनल में इतना गंदा परफॉर्म किया इंडिया, तो एटीट्यूड की वजह से परफॉर्म किया गया, मतलब फियरलेस, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है मतलब कि वो गेम इतना सख्त कैसे कर गया, मतलब कि और क्या सब ने एक इंडिया गंदा खेला, गंदा नहीं कर सकते हैं, जस्ट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ किस्मत होता है। अच्छा और चीजें तैयारी करके आते हैं लास्ट में एक बैड लक कह सकते हैं, उस दिन बैड लक लेकिन जा सकता था, बैड लक है थोड़ा सा, किस्मत भी है आपका, समझ रहे ना मेरी बात। अगर आप आधार नंबर से फिलिप्स में छुकते हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि आपने। जो मैं एनालॉजी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वर्ल्ड कप का जो फाइनल था और प्रीलिम्स जो 2023 था वो मेरे को सेम जैसे आपका एक नेचर है, जो आपका नेचुरल चीजें होना चाहिए वो दबाव नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा अगर आप अच्छा करना है तो आप उसी स्टाइल में जाइए। ब्रो ये एक्चुअली यूपीएससी को लोग लाइफ एंड डेथ बना रखे हैं, तो दिक्कत ये आ गई कि एस्पिरेंट काफी फियरलेस में रहता है ना, काफी डरा हुआ, मतलब लोग फियरलेस खेल ही नहीं पाते प्रीलिम्स को। आप बता रहे हो 90 क्वेश्चन करते हो लोग यहाँ 80 भी नहीं कर पा रहा, लोग फर्स्ट एस्पिरेंट जो होता है फर्स्ट प्लेयर। देखिए मैं बता दूं, अगर आप 80 से नीचे कर रहे हैं तो आप रेस से बाहर हैं, ये कंफर्म है। आप अगर 80 से कम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। अच्छा जब तक कि आपका कुछ ऐसा बहुत कैटेगरी ना हो, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एक्यूरेसी ना हो तब तक आप बाहर, अधिकतर लोग बाहर हो जाएंगे। आप 80 से नीचे जाना तो बाहर है रेस से, तो आप कितना भी अच्छे हो कितना भी अच्छा तैयारी हो आपको 80 से ऊपर जाना ही पड़ेगा, 80 से ऊपर आपको जाना पड़ेगा। जनरल ओबीसी में है तो आपको 85 क्रॉस करना पड़ेगा। अच्छा समझ रहे हैं, तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कितना जनरल कैटेगरी को सजेस्ट करते हो, मतलब कि कितना मैक्सिमम करना चाहिए जनरल कैटेगरी वाली? जनरल देखिए यार 90 प्लस 85 टू 90 के बीच में पड़ेगा, 90 प्लस होना चाहिए। मेरा सजेशन होगा कि 90 से ऊपर आप नहीं जाइए। अच्छा आप हाईएस्ट साइड 90 जाइए। अच्छा बहुत लग रहा है एक आध क्वेश्चन इसलिए लेकर हमारा 91 चले जाइए, लेकिन 9-10 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए क्योंकि 90 से ऊपर इसके लेना वो किसी काम का नहीं होता है। आपका ही कहना, 10 क्वेश्चन तो ऐसा आता ही है जो किसी लॉजिक से कोई लॉजिक वहाँ काम नहीं करता है। 90 हिट कीजिए बहुत, आप 90 तक कीजिए, 10 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। मतलब सेफ अटेम्प्ट जो मुझे लगता है 85 से 90 के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है, 88-89 90 तक हो सकता है, उससे ऊपर जाना से आपका आप क्या मतलब आप सी सेट में स्ट्रगल भी कर चुके हैं 2022 के प्रीलिम्स में? जी देखिए मेरा 22 वाला सी सेट नहीं क्लियर हुआ था और मेरा वहाँ थोड़ा प्लानिंग मिस्टेक था। प्लानिंग की वजह से नहीं, जैसे मैं थोड़ा सा एक मिनट बताना चाहूँ तो मैंने प्लानिंग किया था, मैं कॉम्प्रिहेंशन से डरता था। अच्छा और नए बच्चे डरते ही हैं कि कॉम्प्रिहेंशन बड़ा सब्जेक्टिव होता है यार, ये तो गलत हो जाता है जब तक आप अच्छे से इसको समझते नहीं है। yes. तो बड़ा सब्जेक्टिव है वो, कुछ हमारा कुछ होता है वो आंसर कुछ मान लेते हैं, क्वेश्चन वाले कुछ मानते हैं, सब्जेक्टिविटी बहुत हाई है तो इसके चलते गलत होता है। तो इसके चलते मैं डरता था 21 में का कॉम्प्रिहेंशन में बहुत सारे गलत हो गए जब मैं किया था, तो और मुझे डर बढ़ गया। अच्छा। यार मैं 20 कॉम्प्रिहेंशन कर रहा हूँ और 6-7 ही सही हुए। अच्छा 21 में क्वालिफाई किया था, मैथ के बल पर किया था। अच्छा तो मुझे उसमें मैथ रीजनिंग ही लगा, मैं क्वालिफाई कर गया। उसके डर से 22 में सोच लिया मैं मैथ रीजनिंग पर रिलाई करूँगा, कॉम्प्रिहेंशन छोड़ दूंगा। 22 में मैंने कॉम्प्रिहेंशन देखा ही नहीं, सबसे बड़ा मिस्टेक, मैंने कॉम्प्रिहेंशन देखा ही नहीं, बिल्कुल सीधे में मैथ से स्टार्ट किया और लास्ट में जो एग्जाम दे कर निकला तो लगा कि 10-12 कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही थे और उसको छोटी सी गलती के चलते मैं बाहर गया। अच्छा जब 22 में आपने कॉम्प्रिहेंशन नहीं मैथ से स्टार्ट किया था? सीधे मैथ से स्टार्ट किया और मैथ से खत्म किया। अच्छा एक मिनट भी कॉम्प्रिहेंशन एक दिन ऐसा किया जो मुझे लगता है कि इसी के जर्नी में सबसे बड़ा मिस्टेक मेरा है। अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन देख लिया रहता तो 10-12 ही थे जो आप 10-12 मिनट में कर सकते थे और मैं 2 क्वेश्चन से बाहर हुआ। मुझे लगा कि जीवन मतलब यूपीएससी के जर्नी में सबसे बड़ा मिस्टेक था मेरा सीसेट का प्लानिंग या कॉम्प्रिहेंशन से डरना।
मैं आपको बताऊँ 23 में मैं अपना प्लानिंग पूरा ठीक किया सीसेट को, क्योंकि सीसेट मेरा अटेम्प्ट पूरा एक साल बर्बाद किया था। सीसेट गाइस ब्रो का सीसेट के वजह से 2022 का मेंस नहीं लिख पाए थे, इनका GS1 का कट ऑफ क्लियर था और बट मैं इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू दिए थे लास्ट प्रीलिम्स के लिए। देखिए आफ्टर इंटरव्यू के बाद भी सीसेट में लोग फेल हो जा रहे हैं गाइस, तो गाइस मैं आपको अवेयर करना चाहूंगा, आप लोग हल्के में मत लीजिए सीसेट को, नहीं तो एक साल आपका खत्म कर देगा। जब पहली बार में इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में ठीक आपका नहीं हुआ, जब गुड से नहीं होने का उतना दुख नहीं था, लेकिन आपने प्रीलिम्स फेल हो गए, सीसेट में आपको बस लग रहा है ये सबसे बड़ा दुख है, अभी हो रहा है 2-3 साल से, लेकिन मेरे लिए जस्ट लाइक डिप्रेशन में जाना ऐसा हो गया 1-2 महीने तक, बिल्कुल ऐसा लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। काफी आई भी है कि ऐसा महीने के आपको क्वेश्चन आ नहीं रहे थे, आपने इजी क्वेश्चन देखा ही नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव 10-12 इजी थे वो आपने देखा ही नहीं, आप मैथ पे टाइम लगाते रह गए, लास्ट में 1-2 क्वेश्चन से बाहर, प्लानिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है अभी प्रीलिम्स में इस एग्जाम में। तो ब्रो आप सीसेट तो देखिए मैंने क्या किया, मैं वहां फेल हो गया क्लास में, उसके बाद मैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ तरीके ढूंढे कि आखिर कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के तो पास नहीं हो सकते जब मैथ इतनी डिफिकल्ट आ रहा है, ये तो नहीं कर सकते सारे छोड़ ही सकते हैं। तो मैं क्या किया कि मैं कुछ यूट्यूब वीडियो देखे और कुछ अपने पेपर एनालाइज किया 2-3 साल का, तो मुझे लगा कि जो एलिमिनेशन टेक्निक जीएस में काम करते थे एक्सट्रीम मोड हो गए, जैसे कैन नॉट नेवर Should, ये सब जो एक्सट्रीम वर्ड है वो उस एक्सट्रीम वर्ड की सहायता से आप कॉम्प्रिहेंशन में ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा एलिमिनेशन टेक्निक वर्क, एलिमिनेशन टेक्निक जो है कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अच्छा, मैंने कुछ वीडियो देखा है यूट्यूब में 1-2 लोगों का और अपना सब कुछ एनालाइज किया, तो मुझे लग रहा है तो बहुत आसान है, मतलब कंप्रेसिव बहुत हाई हो जाता है जब आप एक्सट्रीम वर्ड की सहायता लेंगे, जैसे कैन नॉट जहाँ लग रहा है वो स्टेटमेंट जनरली गलत हो जा रहा है, शुड जहाँ लग रहा है स्टेटमेंट जनरली गलत हो जा रहा है, पहले जीएस में होता था लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में हो रहा है, नेवर कुछ है, इम्पॉसिबल लिखा है, इज नॉट पॉसिबल ऐसा कुछ है, निगेटिव स्टेटमेंट जनरली गलत हो जा रहा है कॉम्प्रिहेंशन में, और जो पॉसिबिलिटी जहाँ दिख रहा है कि कैन बी मॉडरेट स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी जहाँ दिख रहा है वो सारे स्टेटमेंट सही है। अच्छा, तो मुझे इसको एनालाइज किया तो मुझे ऐसे कई सारे कीवर्ड मिले, 14-15 कीवर्ड मिले, मुझे लगा कि अरे ये तो करेक्टर है जिसे मैं बोला कि ये तो सही है, ऐसे जहाँ लिखा है वो सही मान सकते होते, और जहाँ ये सब जो है निगेटिव एक्सट्रीम स्टेटमेंट ओनली कैन नॉट नेवर इम्पॉसिबल ऐसे जहाँ कीवर्ड है वो गलत हो जाए, 90% वो स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, तो इसकी सहायता से मैं अपना कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया 2023 में। और मैंने कुछ और कैसे रणनीति में बदलाव किया, मैंने क्या किया कि पहले मैं रणनीति को पहले मैं पैसेज पढ़ता था। अच्छा, इस बार मैं पहले क्वेश्चन पढ़ा, पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा सीधे पैसेज सीधे गया कॉम्प्रिहेंशन, पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा 10 सेकंड में, ऑप्शन पढ़ा 10 सेकंड में, 1-2 ऑप्शन को मैंने एलिमिनेट कर दिया शुरू में तुरंत ही, ये तो नहीं होगा एक्सट्रीम मोड, ये तो नहीं होगा गलत। अब बाद में कई बार 2-4 एक भी 5-7 पैसेज में तो आप सीधे आंसर पे पहुंच सकते हैं, आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको पैसेज नहीं पढ़े तो आप आंसर पहुंच जाएंगे सीधे, टाइम भी सेव होगा, टाइम सेव होगा, अगर आपका टाइम कम है तो ऐसा पढ़ सकते हैं, बिना पैसेज पढ़े आप सही आंसर टिक कर सकते हैं, 7-8 क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा फिर आपने ऑप्शन पढ़ा एलिमिनेट किया, फिर अगर लग रहा है कि 2 में कहीं कंफ्यूजन हो रहा है 10 सेकंड में आप पैसे देख सकते हैं, 1 नजर आपने पैसे देखा सही आंसर टिक कर, ये सब करने में 2 मिनट लगे ओनली, और मैं कहूँगा अगर आप 1 घंटा कंप्रिहेंशन पे देते हैं आपके पास 2 घंटे हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग में बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, तो आपको मुझे सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे मैं पास किया इस बार, yes. मैं 27 कंप्रिहेंशन टोटल किया है। अच्छा। मुझे मैथ का पेपर देखते लग गया कि फिर मैथ बहुत डिफिकल्ट है, मैथ करा के हम पास नहीं हो सकते, कंप्रिहेंशन मुझे टोटल करना होगा, मैं शुरुआती 3 कंप्रिहेंशन किया मैंने कर लिया, मुझे पता चलेगा कि कंप्रिहेंशन थोड़ा मॉडरेट है। अच्छा, मेरा जो तरीका है उसके अनुसार ही तो मैं 3 कंप्रिहेंशन करने के बाद मैथ का सीख चुका, मैथ देखा मैथ रीजनिंग डिफिकल्ट है, 1 घंटे में मात्र मैं 18 क्वेश्चन सोल्व कर पाया मैथ रीजनिंग मिलाकर, 18 मेरे 14 सही हुआ ठीक है, उसके बाद मैं सोचा कि अब इससे ज्यादा टाइम देना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, तो मैं सीधे कॉम्प्रिहेंशन पे शिफ्ट हुआ, सारा कॉम्प्रिहेंशन सोल्व किया और वो अपना सारा ट्रिक लॉजिक लगाया, अब आपको जानकारी होगा कि मैं 27 में से मेरे 21-22 सही है कॉम्प्रिहेंशन, अरे वाह, मतलब 22 में से मेरे 21-22 कॉम्प्रिहेंशन सही है, जिससे आप डरते थे इन्होंने जीत लिया बाजी, मुझे आता नहीं था मैं डरता था, और इस बार मैं 22 सही किया, उसके बाद मैं इस बार क्वालीफाई कर गया जिसके चलते मैं पिछला फेल गया, फेल किया था, तो ये प्लानिंग होता है, ये प्लानिंग वर्क्स ब्रो, तो ये आप इसको आप फॉलो कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में आप स्ट्रांग हो, कीवर्ड जो मैं बता रहा हूं उसको मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा आने वाले वीडियो में, तो उसको पढ़ सकते हैं, और
मैथ रीजनिंग की बात अगर मैथ्स बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, तो देखिए मैथ इस बार का अगर पेपर देखा जाए, इस बार का क्वेश्चन हम देखें तो क्या है कि कुछ ऐसे 10-12 क्वेश्चन उन्होंने कैट से उठाया है, जेई मेन से उठा लिया, फिर पीवाईक्यू से। यस तो मैं ऐसा कहूंगा कि जो अरिहंत का बुक अभी तक आता था सीसेट के लिए, उससे नहीं हुआ। अरिहंत का जो सीसेट के लिए अच्छा, आप ये कह रहे हैं, हाँ समझ रहा हूँ, जो बच्चे तारे बच्चे पढ़ते थे उससे नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैं पढ़ के गया था लेकिन कुछ हो नहीं पाया ज्यादा उससे। अच्छा तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बुक का नाम, मैथ जो के लिए, स्पेशली कैट के लिए है, हाँ लेकिन वो मोटा, सर्वेश वर्मा, सर्वेश वर्मा है एक राइटर, सर्वेश के वर्मा करके, सर्वेश के वर्मा का क्वांटम कैट का बुक है, क्वांटम कैट उसका नाम है। और उस बुक को आप ले लीजिए, अच्छा उसमें से आपको पूरा नहीं पढ़ना है, हाँ उसमें से आपको पूरा, मैं पहले बोल चुका हूँ, कोई भी सोर्स लीजिए, सिलेक्टिव होना है, स्ट्रेटजी वर्क्स प्रो, दिस इज योर स्ट्रेटजी, सिलेक्टिव होना है आपको। कम सोर्सेज मैं बताता हूँ, आप नंबर सिस्टम देख लीजिए, हाँ वर्क एंड टाइम देख लीजिए, हाँ ब्लड और 2-3 चैप्टर जैसे परसेंटेज देख सकते हैं आप, और इस बार CISI से आया था क्वेश्चन वो देख सकते हैं। तो ऐसे 4-5 चैप्टर जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप मैथ अच्छा है तो आप परम्यूटेशन कम्बिनेशन देख सकते हैं, तो ये 4-5 चैप्टर का टारगेट करें, मैथ फिर में, हाँ उसको आप पढ़ सकते हैं। और उस पर 3 लेवल के एक्सरसाइज हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस बुक में। मैं यस अभी देखा उसको और मैं करूंगा भी उसको। तो लेवल 3 लेवल के एक्सरसाइज हैं, अच्छा आपको लेवल 3 नहीं करना है, अच्छा लेवल 1 आप कीजिए, और लेवल 2 में कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं जो आप बोलाइए कि जरूरी है, और साथ में जो एक्सप्लेन एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए हुए हैं उस बुक में, जैसे हर कॉन्सेप्ट के बाद कुछ एग्जाम्पल है, उसको एग्जाम्पल को आप कर लें। अच्छा तो ये 4-5 चैप्टर अगर आप अच्छे से करते हैं, नंबर सिस्टम से कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि मैथ के क्वेश्चन आप 18-20 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे विद अच्छा इन टाइम अगर आप, लेकिन उसको आपको 2 बार प्रैक्टिस करके जाइए, तो आप 1.5 घंटे आप पढ़ेंगे रोज, तो 2 बार हो जाता है, मई तक आप 2 बार कर लेंगे। ये हो गया कैट, क्वांटम कैट। रीजनिंग, रीजनिंग, रीजनिंग के देखिए, रीजनिंग भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया इस बार का, क्योंकि डाटा सफिशियंसी वो क्या क्या पूछ यस लिए, यस ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, वो बैंकिंग वाले क्वेश्चन, तो उसके लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो ये आपके, मैं छोड़ रहा हूँ, एक आर से वर्ल्ड की बुक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। हाँ अब देखा मैं है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको सावधान करना चाहूंगा, दोनों बुक जो है बहुत मोटे बुक है, और मैं अच्छा फिर बोल दे रहा हूँ कि आपको पूरा नहीं पढ़ना है, पैसे थोड़ा आपके खर्च होंगे हाँ लेकिन बुक पूरा नहीं पढ़ना है, अच्छा, बुक आप 30% के आसपास बुक पढ़ेंगे पेजेस, दैट्स इट, हो आपका हो जाएगा। टारगेट कीजिए 4-5 चैप्टर भी, आप टारगेट कर सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, डाटा सफिशिएंसी है, ब्लड रिलेशन है, सीक्वेंस सीरीज है, ये 4-5 चैप्टर टारगेट करेंगे तो आप रीजनिंग में भी 10-12-15 क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये दो बुक, वो जो क्वांटम सेट सर्वेश वर्मा और वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आर एस रीजनिंग अग्रवाल, दो बुक आप ले लीजिए, और इसको रोज 1-1.5 घंटे 2 घंटे आप सीसेट पे दीजिए, क्योंकि सीसेट आपका गेम बिगाड़ सकता है। अच्छा हाँ, ये तो लाइव तो आप एग्जांपल, इस बार जो अभी आप लोग सुने होंगे, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 1-2 बार दिए हैं, 85% बच्चे सीसेट पास नहीं है इस बार के प्रीलिम्स में, हाँ 2023, सब लोग जानते हैं, दिस इज द फैक्ट, अनऑफिशियल डाटा आर है, यू लेकिन शॉकिंग, 80-85% बच्चों का सीसेट क्लियर नहीं है। तो आप ऐसा ना हो जाए कि सीसेट आपको IAS बनने का सपना करो, हाँ प्रीलिम्स स्टेज पे बाहर हो जाए इंटरव्यू देने के बाद या बहुत अच्छा तैयारी के बाद, मेरे साथ हो चुका है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पर्सनली सीसेट पे फोकस कीजिए, पैसा नहीं है रोज 5-6 घंटे पढ़ना है, 2 hours, लेकिन 2 आवर्स डेली, अच्छा 2 आवर्स आप डेली दीजिए अभी से लेकर अप्रैल मई तक, ताकि आप GS इतना पढ़ सकते हैं पढ़िए, ऐसे भी जब सीसेट डिफिकल्ट आ रहा है तो GS का कट ऑफ कम जाएगा, तो हाँ आपको 100 नंबर आने की जरूरत नहीं है, आपको 80-82-83 नंबर आप लाते हैं तो, या 85 नंबर तो आप सेफ हैं, आप सेफ हो जाएंगे। तो आपको सीसेट पास करना है और इसमें टारगेट होना चाहिए 85-90 आप ला रहे हैं GS में, तो आप सेफ हैं, सेफ हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा प्रीलिम्स की तैयारी पे, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और मैं बता दिया कि आप GS है तो आप 85 से 90 के बीच में जाइए, उस तरफ सीसेट की हम बात कर कितने अटेम्प्ट किया है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कॉम्प्रिहेंशन, जैसे मैंने बताया हाँ कॉम्प्रिहेंशन को आपको सब तरीके फॉलो कीजिए, कॉम्प्रिहेंशन 25-26-27 आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं, सारे टाइम मिले, 1 घंटे में आप कर लीजिए, ओके, फर्स्ट पहले क्वेश्चन पढ़िए, आवर में लेना है, सेकंड आवर में सी सेट ये आपके कॉम्प्रेंस, आप जैसे कंफर्टेबल है, मुझे ऐसा लगेगा अच्छा कंपेटिटिव, आप ऐसे कंफर्टेबल है, आप चाहे तो फर्स्ट आवर में कर सकते हैं, सेकंड आवर में, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कि लोग कहते हैं घबराने के बाद क्वेश्चन बन नहीं पाते, बैंक के नहीं बन, लेकिन मैथ के नहीं बन पाते हैं, लेकिन कई बार घबराने से आप सीसेट में भी ये जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें भी एनालाइज नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी होता है, हैंग हो लेकिन जाएगा पूरा हैंग बुक, हो जाएगा तो आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे, जल्दीबाजी में करके तो भी गलत हो सकता है, हाँ लेकिन फिर भी आप अपने कंफर्टेबल जैसे हैं पहले आप कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं, माइंड ओवर प्रेशर तो एनालाइज कर सकते हैं, ऐसे मैं जो आपको कीवर्ड बता रहा हूँ वैसे आप करेंगे तो आप कॉम्प्रिहेंशन सही कर सकते हैं, अच्छा एलिमिनेट कर करके, पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शन पढ़ें, ये पढ़ने का 30 सेकंड, एलिमिनेट करें 1-2 ऑप्शन, कई बार 3 बार मिनट हो जाएंगे, आप सीधे आंसर तक पहुंचेंगे, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, एक बार पैसे आप देखेंगे, अगर आपकी हिंदी इंग्लिश अच्छी है आप सही से आंसर टिक कर देंगे, और आपका टारगेट होना चाहिए कि 1 घंटे में आप पूरा कॉम्प्रिहेंशन खत्म कर लें, वहाँ आप 20-22 क्वेश्चन सही कर लेंगे अगर आपने सही से प्रैक्टिस किया तो।
पेपर दो तीन साल का पीवाईक्यू देखिए, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। सिर्फ आप पीवाईक्यू देखिए और जो एक्सट्रीम मोड है तरीके स्ट्रेटजी उसको फॉलो कीजिए। एक घंटे में आप मैथ 20-25 क्वेश्चन आप उधर सॉल्व करते हैं, तो अगर आप 50-52-53 क्वेश्चन आप करते हैं और मैं बता दूं, मैं इस बार 45 मात्र किया था। लेकिन फिर भी आप कोशिश होना चाहिए जो प्रीलिम्स पे स्ट्रेटजी बताया है ब्रो, सी सेट और GS1 का, ये एस्पिरेंट्स कम्युनिटी को काफी हेल्प करने वाला है ब्रो। ब्रो का एक चैनल है यूट्यूब पे, अगर आपको प्रीलिम्स को स्ट्रेटजी को लेके अगर कुछ जानना हो तो इनके चैनल को विजिट कर सकते हैं। उनका नाम है, चैनल का नाम है संदेश IAS अकेडमी करके, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। तो ये उस चैनल पे भी इन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी, GS1 का और CSET का। तो गाइस आप लोग डिटेल में जाके देख सकते हो वहाँ पे, यहाँ पे जितना हो सका उतना मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ओके गाइस।